हेलो सब टूर भाई, नमस्ते। आज कुछ सीखेंगे और जानेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज मैं मनोज दे के बारे में कुछ बता रहा हूँ, आप सुनिए, देखिए और सुनिए। यूट्यूब में कैसा वीडियो वायरल होता है, तो मैं तो उतना जानता नहीं हूँ, फिर भी एक तो आइडिया बता रहा हूँ। और मेरा गांव भी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, जो उड़ीसा का केंद्रापाड़ा जिले का हूँ मैं, तो वहीं से एक गांव, छोटा सा गांव, उससे मैं बिलोंग करता हूँ। मैं ये यूट्यूब देख रहा हूँ, देखने से पता चल रहा है कि मेरे को जितना नॉलेज मिला है कि किस तरह से वीडियो वायरल होता है। आज मैं एक तो बात बताऊंगा कि मनोज दे बोल के एक तो जो है ब्लॉग बनाए हैं, चैनल बनाए हैं, उनका लाखों मिलियन में उनका व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर भी हैं। तो किस लिए है उनका, जो उनका बारे में जो बात बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तो आप भी उनको फॉलो करके आप भी एक तो अच्छा खासा सब्सक्राइबर बन सकते हैं, यूट्यूबर एक्टर बन सकते हैं, आपका चैनल भी मोनेटाइज हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन एक कहावत है कि कोई भी काम करना पड़ेगा तो उसके लिए एक तो गुरु चाहिए होता है, तो गुरु के बिना कुछ होता नहीं है। तो उसी के हिसाब से मैं उसी के तरह से बोल रहा हूँ कि आप जिसका भी आप देख रहे हैं, जो सब हैं यूट्यूबर जितना भी हैं, जो लाखों मिलियन में उनका व्यूवर्स है और सब्सक्राइबर हैं, उन सबको देख के कुछ सीखना चाहिए आपको। तो सीखने से पता चलेगा कि आपका कहाँ पे मतलब गलत हो रहा है, वीडियो कहाँ से गलत अपलोड कर रहे हैं, कि सेटिंग वगैरह कहाँ से अपलोड कर रहे हैं, कि कैसे बोलने से क्या होता है, कि कैसे वीडियो बनाने से क्या कैसे वायरल होता है, ये सब उनसे सीखना ज़रूरी होता है। तो इसी के लिए जिसको आप पसंद करें उसका वीडियो बार बार देखें, देख के उसमें कुछ नॉलेज लें, नॉलेज लें कि आप उसमें मतलब जान सकते हैं कि आप किस टाइप का करने से वीडियो की क्या कैसे बोलने से क्या करने से आपका वीडियो वायरल हो सकता है। तो उसी हिसाब से आप सब कुछ करेंगे तो ठीक होगा। तो जैसे देखिए, मैं एक तो देख रहा हूँ अभी कम साल का उम्र है उनका, मनोज देव, फिर भी वो कमाते हैं कितना महीना में जानते हैं आप सब लोग? महीना मेरे हिसाब से तो जितना वो ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, जितना जानता हूँ मैं बोल रहा हूँ, 20-30 लाख से तो ऊपर ही कमाते हैं। तो उतना कम टाइम में इतना कैसे कमा सक रहे हैं, कि उनके पास कुछ है, कुछ है बोलने से क्या है, वो भी किसी से मोटिवेट हो के, मतलब किसका वीडियोस देख के वो भी कुछ कुछ सीखे हैं, सीख के आज बड़ा यूट्यूबर बन चुके हैं, जो उनका लाखों में मिलियन में व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर भी वो हैं। तो उसी तरह हम लोगों को भी सीखना चाहिए कि किसी को देख के किस तरह बनाते हैं, क्या करते हैं वीडियो, ये सब नॉलेज ले के हमें बनाना चाहिए। तो मेरे को तो उतना कुछ आता नहीं है, फिर भी मैं एक तो प्रयास कर रहा हूँ, चेष्टा कर रहा हूँ मैं कैसे वो एक तो यूट्यूबर अच्छा खासा बन जाऊं बोल के। तो मेहनत करने से मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, आज नहीं तो कल उसका वो रंग दिखाता है। तो मेहनत करते रहिए, लेकिन एक एक तो गलती होगा तो उसे सुधार भी सकते हैं, देख के वीडियो देख के, सबका जिसको आप पसंद करें उसका वीडियो देख के आप सीख सकते हैं। तो उसी हिसाब से मनोज दे का मैं बता रहा हूँ, मनोज दे का जो लाखों में व्यूवर्स हैं कि मिलियन में व्यूवर्स हैं, उतना कमाते हैं, उनका जो है बोलने का तरीका, फर्स्ट बात है कि बोलने का तरीका
मतलब कोई भी जो यूट्यूबर्स हैं जो नया भी बना रहे हैं चैनल वगैरह यूट्यूब में और वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उनका वॉइस जो है वो मतलब सही होना चाहिए। मतलब कोई देख लेगा क्या करेगा ये सब सोचना नहीं है, और क्या बोलेगा ये कुछ भी सोचना नहीं है। अपना मतलब दिल से आवाज़ निकालो कि मैं पूरा फ्री में बोलूँ, बोल के संकोच मत करो, संकोच करने से कुछ होगा नहीं। और शर्म वगैरह भी मत करो, अब वॉइस डालते जाओ और वीडियो बनाते जाओ। मनोदय उसी तरह करते हैं जो कि मतलब आपका क्या है कि वॉइस भी अच्छी तरह से बोलते हैं, वीडियो भी बनाते हैं अच्छी तरह से, और उनका नॉलेज भी है कि किस तरह से कहाँ से वो नॉलेज लेके वो उसी टाइप में वीडियो बनाएंगे और वायरल होगा। ये सब उनको बहुत जानकारी है, तो उसी तरह आप सब लोग भी जान लें ये सब। और मनोज दे का मैं फैन हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ उनका लाखों में जो मिलियन में व्यूवर्स हैं वो सब ऐसे ही आए नहीं हैं, वो भी एक मेहनत करते 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 आज इम्प्रूव किए हैं। वो भी एक तो गरीब परिवार में मतलब उनका जन्म हुआ था, उनका भी फैमिली बैकग्राउंड उतना खास नहीं था। आज का डेट में देखिए उनके पास क्या नहीं है, वो अपना दिल लगा के वो सब काम किए हैं जो कि मतलब वो सक्सेस है कि हो रहे हैं और होते जा रहे हैं, तो भगवान करे उनको तो सक्सेस बना है। तो हमें उन सब व्यूअर से सॉरी उन सब यूट्यूबर से ये सब सीखना चाहिए कि किस तरह बनाते हैं। तो जिससे जो आप सीख रहे हैं वो एक तरह का गुरु है, तो इसी तरह आप सब एक एक ठो मतलब जिसका वीडियो देख रहे हैं उसे गुरु मान के उसका वीडियो देखते जाइए, सीखते जाइए और अपलोड उसी हिसाब से करते जाइए। मनोज दे का वीडियो में बहुत सारा देख चुका हूँ, वो जो वॉइस देते हैं वो एक नंबर का होता है, और उनका स्टाइल जो है बोलने का और लोगों को बताने का कि किस तरह से वो सब करते हैं, तो उनका वो सब स्टाइल एक नंबर है। जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, आप देखिए और सुनिए, उसके बाद आप मुझे बताना कमेंट करके कि कैसा बोल रहे हैं, ठीक है या गलत है। वॉइस ओवर बाद में होगा, आप जो बोलोगे वो बाद में बोलोगे, सिर्फ आपको जस्ट क्लिप बाय क्लिप शूट करना होगा। जैसे मैंने क्या किया कि मैं रेलवे स्टेशन जब पहुंचा तो रेलवे स्टेशन का एक ले लिया क्लिप, ठीक है, इस तरह करके लेना, फोन को सीधा रखना है। तो अपने फोन को दोस्तों आपको इस तरह का वर्टिकल मोड में रखना है और कोई भी क्लिप को इस तरह से आपको शूट करना है, ऐसे शूट नहीं करना। जब आप बड़े वीडियो बनाते हो, लॉन्ग ब्लॉग बनाते हो तो ऐसा पकड़ना है, बट जब आप शॉर्ट्स बनाओगे तो ऐसे आपको पकड़ना है, और ऐसे करते हुए एक एक क्लिप आपको शूट करना है अलग अलग जगह का। जैसे मैंने धनबाद रेलवे स्टेशन का पहले लिया, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ कोलकाता पहुंचा सियालदह रेलवे स्टेशन उसका लिया, फिर मैं ट्रेन में क्या कर रहा था उसका लिया था, फिर अपने दोस्तों के साथ मिला था उसका लिया, फिर मैं फ्लाइट में चढ़ा उसका लिया, फिर वहां उतरने के बाद मैं किससे मिला उसका लिया। तो यहाँ तक मैंने सारे क्लिप्स एक एक छोटा छोटा क्लिप लेना है 5 सेकंड 10 सेकंड का, और उसके बाद सारे क्लिप्स को कंबाइन कर देना है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर काफी सारे हैं, काइन मास्टर है, वीएन है, काफी सारे हैं। अब उसमें आपको सबको जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद दोस्तों एक एक क्लिप को जोड़ देना है, बैकग्राउंड में एक म्यूजिक डाल देना है, उसके बाद आपको वॉइस ओवर करना है। बाद में आपको वॉइस ओवर करना है एडिटिंग टाइम में, ठीक है, वॉइस ओवर पे जाकर के आपको बोलना होगा कि दोस्तों देखिए आज मैं जा रहा हूँ अभी धनबाद से। तो आप ये सब देखिए, ये वीडियो सब मैं दिखाया आपको एक एक ठो, तो उसमें क्या सीखे कि उनका वॉइस देखे तो किस तरह आया है, वो पूरा मतलब क्लीन बोल रहे हैं, किसी डरते नहीं है कि कोई शर्म वरम कुछ करते नहीं है, कोई गलत काम जो नहीं कर रहे हैं कि उनको शर्म लगे, तो वीडियो बना रहे हैं खुद का, वो उसमें कोई गलत है नहीं, तो वो सब सीखिए। और उनका समझाने का स्टाइल भी अलग है, जो जैसे समझाते हैं कि वो एक तो बच्चा भी समझ जाएगा, बूढ़ा भी समझ जाएगा, बच्चा भी समझ जाएगा,
तो उनको जो फॉलो करके जा रहे हैं आजकल के डेट में, मैं भी देख रहा हूँ कितना है उनका जो सब्सक्राइबर है, वो मतलब पढ़ा लिखा में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन उनका बात फॉलो करके, उनको फॉलो करके वो क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब फॉलो करके आज वो लोग भी पैसा कमा रहे हैं और मिलियन में भी व्यू सब्सक्राइबर छाप रहे हैं और व्यूवर्स भी छाप रहे हैं। तो उनका हर एक स्टाइल है, हर एक अदा और हर एक मतलब बोलने का तरीका, वो सब मतलब जिसमें आ जाए ना वो यूट्यूबर बन सकता है, अच्छा खासा यूट्यूबर बन सकता है। तो भाई मेरा इतना बोल रहा हूँ कि जितना भी यूट्यूबर्स भाई हैं जिनका मतलब, मेरा भी तो नहीं हो पा रहा है चैनल, मतलब मिलियन का क्या 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हो पा रहे हैं कि व्यूवर्स भी नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा हूँ, मैं उनका वीडियो देख देख के मोटिवेट होके मैं अपना वीडियो बनाता रहता हूँ, जितना टाइम मिलता है मैं उतने में बनाता रहता हूँ। तो मैं भी वो उतना वो रईस आदमी हूँ नहीं, मैं भी एक तो गरीब फैमिली में पैदा हुआ हूँ, तो मेरा भी वो उतना मतलब है नहीं जो पैसा वगैरह नहीं है कि मैं वो हाई फाई आदमी हूँ नहीं, फिर भी मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ और उनका वीडियो देख के मैं मोटिवेट हुआ हूँ और मैं उनसे कुछ सीखने के लिए मुझे मिला है, तो मैं सीख रहा हूँ उनसे धीरे धीरे। आप भी वो सब सीखते रहिए और उनका वीडियो, उनका क्या जिसका भी वीडियो देख रहे हैं देखिए, उनसे कुछ नॉलेज लीजिए और आगे वो सब जो गलती आप कर रहे हैं यूट्यूब में वीडियो डालते समय किस तरह डालते हैं ये सब पता नहीं है, किस तरह बोलते हैं ये सब पता नहीं है, फिर भी आप सब ये सब करके डालते जा रहे हैं और गलती करते जा रहे हैं, तो वो सब आगे क्लियर कीजिए फिर डालिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप भाई मैं इतना ही बोल रहा हूँ, आप ये सब देखिए किस तरह बोलते हैं और उनसे कुछ नॉलेज लीजिए, कि उनके पास तो जाना भी पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा, हाँ मोबाइल से बैठ के आप देख के जान सकते हैं कि वो किस तरह से बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं, उनका स्टाइल क्या है, तभी जाके मनोज तिवारी जहाँ से वो मतलब आए हैं और अभी जहाँ है, मतलब उनको उनका स्टेटस क्या है, ये सब आप लोगों को पता है। आप उनका पहला वाला वीडियो एक तो देखेंगे, उनका चैनल को सब्सक्राइब करके पहला वाला वीडियो एक तो देखेंगे तो लगते हैं पूरा गरीब फैमिली का है, तो उनका था उस तरह उस टाइम में था उनका स्टेटस, मतलब गरीब फैमिली में थे अभी, लेकिन वो भगवान के दया से ऊपर उठते जा रहे हैं, तो उठेंगे उठने दो और ठीक भी है, कोई नहीं कोई कुछ बात नहीं है, और स्ट्रगल कर रहे हैं तो ठीक है। तो ये सब नॉलेज आप लेके अपलोड करें, मनोज दे का वीडियो हुआ कि और किसी का हुआ, ये सब वीडियो देख के आप कुछ नॉलेज लें और उसके बाद अपलोड करें कुछ सीख के, तो कुछ ना कुछ इम्प्रूव होगा, ये मैं सही से बोल रहा हूँ, पूरा गारंटेड बोल रहा हूँ, क्योंकि मनोज देव बोल के नहीं, और भी छोटा छोटा बच्चा भी है, वो भी कुछ सीख के मतलब करते हैं जो मिलियंस में व्यूज आता है उनका। तो उसी तरह से आप लोग भी कीजिए, मैं भी अपना वीडियो उनको मतलब उनका वीडियो देख के मैं सीख के कुछ कुछ डालते रहता हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई इतना ही मेरा आज कहने का मतलब था, आप सब उनका वीडियो दिखा आगे एक बार दिखाया था, फिर एक बार दिखाता हूँ, आप कुछ सीखिए, चलो देखिए फिर। ये अननेसेसरी इसको काटना है तो क्या करना होगा, टाइमलाइन पे जो वीडियो है इसको क्लिक कीजिए,
क्लिक करने के बाद दोस्तों एक ऑप्शन मिलता है ट्रिम और स्प्लिट, ठीक है, वहां पर आपको क्लिक करना है जो कि कैंची वाला सिंबल है, वहां पर क्लिक कीजिए। आप देखिए पहले आता है ट्रिम लेफ्ट, ट्रिम लेफ्ट करोगे मतलब लेफ्ट वाला जो भी पार्ट है वो हट जाएगा, ट्रिम राइट करोगे तो राइट वाला जो पार्ट होगा वो हट जाएगा, और स्प्लिट मतलब बीच पे कट लग जाएगा। तो मुझे लेफ्ट वाला पार्ट हटाना है तो मैं वहां पर क्लिक कर दूंगा और ये देख सकते हो लेफ्ट वाला जो भी पार्ट था वो हट गया। अब वहां पर मेरा डायरेक्ट वीडियो यहां पर देखिए शुरू हो जा रहा है, पहला जो अननेसेसरी पार्ट था वो हट गया। अब मान लीजिए दोस्तों आपने ट्रिम लेफ्ट कर दिया, गलती से कर दिया, अब आपको फिर से रिटर्न वो क्लिप को लाना है तो अंडू होता है। अंडू कैसे होता है, साइड में देखिए एक एरो वाला बटन है सर्कल टाइप का, वहां पर क्लिक कीजिए तो आपका जो है वो पार्ट फिर से आ जाएगा जो आपने ट्रिम कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो वो पार्ट मेरा फिर से आ गया, ये देखिए। तो मान लीजिए मुझे इसको हटाना है तो ट्रिम लेफ्ट कर दूंगा तो ये देखिए फिर से हट गया। अब मान लीजिए मुझे दोस्तों राइट वाला कोई पार्ट हटाना है, जैसे राइट में मैं एकदम एंड में चला गया, राइट में मुझे ये वाला पार्ट जैसे हटाना है, ट्रिम राइट कर दूंगा तो ये देखिए राइट वाला जो पार्ट था वो हट गया। अब दोस्तों मान लीजिए कि मुझे बीच से कोई एक पार्ट हटाना है, ठीक है, छोटा सा क्लिप बीच से हटाना है, तो क्या करना होगा, मान लीजिए मुझे यहाँ से एक क्लिप काटना है तो करना होगा स्प्लिट। स्प्लिट कर दोगे तो क्या होगा पता, दो हिस्से में ये जो है वीडियो कट हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से इतना दूर तक मुझे इस पार्ट को हटाना है तो फिर से एक बार स्प्लिट कर दूंगा, ये देखिए। अब बीच में देखिए ये वीडियो पूरा अलग हो गया टाइमलाइन पे, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे ये बीच वाला छोटा वाला पार्ट डिलीट करना है, यहाँ पर मुझे क्लिक करना होगा, ये देखिए डिलीट वाला ऑप्शन मिलता है डब्बा वाला, वहाँ पर क्लिक कर दूंगा, ये देखिए ये पार्ट हट गया। अब मान लीजिए मुझे ये गलती से हटा दिया है, मुझे फिर से लाना है तो अंडू कर दूंगा तो फिर से आ जाएगा। अब मुझे फिर से जैसा था वैसा बनाना है तो ये देखिए मैं जैसा था वैसा बना दिया। अब दोस्तों बात करते हैं, मान लीजिए कि दो वीडियो क्लिप है, दोनों वीडियो फिर मैं आपको एक तो वीडियो दिखाया, उसमें देखिए वो मतलब कैसे फेसबुक में पैसा कमाए, इंस्टाग्राम में कैसे पैसा कमाए, और वीडियो एडिटिंग कैसे करें, और वो शॉर्ट वीडियो कैसे बनाएं, ये सब बता रहे हैं वो सब। तो उनसे उनका वीडियो देख के आप कुछ सीखिए, डालिए, डालते रहिए, सीख के मतलब उसी तरह से डालते रहिए वो जिस तरह से बता रहे हैं, आराम से मतलब आपका व्यूवर्स बढ़ेंगे, मिलियंस में व्यूवर्स आएंगे, सब्सक्राइबर भी आएंगे, लाइक कमेंट सब करेंगे आपका। आप फिर एक ठो मतलब उनका वीडियो अभी नया आया हुआ है वो वाला भी देखिए, कुछ सीखिए, वो सब अच्छा अच्छा ट्रिक बताते रहते हैं कैसे कम टाइम में पैसा इन्वेस्ट किया जाए, वो मतलब कमाया जा सकता है, कैसा व्यूवर्स लाया जा सकता है, ये सब आप तो उनका वीडियो देख के पता कर सकते हैं। तो भाई इतना ही मेरा आज बोलने का था, मैं बोल दिया भाई। आप सब लोग उनका वीडियो देखिए कि किसी का भी देखिए और कुछ सीखिए, यूट्यूब में डालिए, आज कल हो सकता है आपका वीडियो भी अपलोड होके वायरल हो जाए। ठीक है भाई, मैं रहता हूँ, अभी रुकता हूँ, नमस्कार।